दोस्तों हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आ ही जाता है कि हमें एक लोन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फिर वो कार लोन हो, बिजनेस लोन हो या फिर एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड। लेकिन आपको पता है उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? वो होता है सिबिल स्कोर, जो कि बैंकर सबसे ज्यादा गौर करता है आपको लोन देते वक्त, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं। अब सिबिल स्कोर को आप ऐसे समझिए जैसे आपके 12th के मार्क्स, जितने ज्यादा अच्छे मार्क्स अच्छा कॉलेज, अगर लो मार्क्स हैं तो कॉलेज तो मिल ही जाएगा बट लोन नहीं मिलेगा। सिबिल स्कोर की रेंज होती है 300 से 900 के बीच में, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपका स्कोर अच्छा है और आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ऐसे में दो तरीके के लोग हो सकते हैं, पहले वो जिन्होंने कभी कोई लोन ही नहीं लिया, जिनका क्रेडिट स्कोर जीरो है, या फिर दूसरे वो लोग जिनका क्रेडिट स्कोर तो है बट क्रेडिट स्कोर काफी कम है, जिसकी वजह से उनकी लोन्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, सिबिल स्कोर जीरो है। तो वो लोग अपना सिबिल स्कोर कैसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि बिना सिबिल स्कोर बिल्ड करे आपको लोन लेने में परेशानी आ सकती है। तो सिबिल स्कोर बिल्ड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है FD बैक क्रेडिट कार्ड। FD बैक क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जो FD के अगेंस्ट दिए जाते हैं। सबसे पहले आप बैंक में एक FD कराते हैं और बैंक उस FD की सिक्योरिटी पर आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। ये क्रेडिट कार्ड नॉर्मली 90% तक की लिमिट के साथ आते हैं। सपोज दैट अगर आप बैंक में FD कराते हैं 10,000 रुपए तक की, तो 90% तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाता है नॉर्मली, जिसकी लिमिट होती है 9,000 रुपए। अगर आप ज्यादा की FD कराते हैं तो आपको ज्यादा भी लिमिट मिल सकती है। ये मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं FD बैक क्रेडिट कार्ड की ही बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, बेसिकली अभी हम चाहते हैं कि आपका सिबिल स्कोर बिल्ड हो, उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन लेना जरूरी है। लेकिन इशू ये है कि क्योंकि अभी आपका सिबिल स्कोर कम है, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, मतलब विदाउट एनी बैकिंग, आपको कोई भी कंपनी इशू नॉर्मली नहीं करेगी, और अगर करेगी तो आपको इनकम प्रूफ देना होगा। इन दैट केस अगर कंपनी सेटिस्फाइड होगी, बैंक सेटिस्फाइड होगा, तभी आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में हेल्प करेगा वो है Amazon पे लेटर एंड Flipkart पे लेटर जैसी सर्विसेज, जो कि आपको सुविधा देती हैं कि आप उनका प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं और एक कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद पे कर सकते हैं, जिस प्रोसेस में आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका सिबिल स्कोर तो है बट खराब है, जिसकी वजह से उनकी लोन एप्लीकेशंस लगातार रिजेक्ट हो रही हैं और जो अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ऐसी 5 चीजें जिनको इम्प्रूव करके आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है टाइमली एंड फुल पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज। अगर आपके सिबिल स्कोर में कोई भी ऐसा लोन है जो कि पेंडिंग है, सबसे पहले आप उसे क्लियर कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको वही हार्म कर रहा है, आपके सिबिल स्कोर को लगातार ख़राब कर रहा है। दूसरा, अगर आपकी हैबिट है कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल का मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, तो इस हैबिट को आपको सुधारना होगा और अपना पूरा अमाउंट पे करना चाहिए, वो भी टाइमली विदाउट स्किपिंग एनी ड्यू डेट। सेकेंड पॉइंट है क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप उसकी लिमिट का 35% से ज़्यादा यूज ना करें। सपोज दैट अगर आपकी लिमिट 1,00,000 रुपये है तो आप कोशिश कीजिए कि 35,000 रुपये से ऊपर मत जाइए, और अगर 2,00,000 है तो 70,000। अगर आपको तो भी ज़्यादा नीड है कि आपको लिमिट चाहिए, तो आप अपने बैंकर से बात कर सकते हैं, वो आपको लिमिट इंक्रीज करके दे सकता है। अल्टरनेटिवली आप दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अपना यूटिलाइजेशन जो लिमिट है वो 35% या उससे बिलो ही रखिए, ये आपके क्रेडिट स्कोर पर अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। थर्ड पॉइंट है क्रेडिट हिस्ट्री। सपोज दैट अगर आपका कोई लोन चल रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड है, अनलेस कि आपको कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है तो उसे बंद मत कराइए। जो उसका टेन्योर है उसे कंप्लीट करने दीजिए, उसको पहले प्री मेच्योर टर्मिनेट मत कराइए, और इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड उसे बंद ना ही कराइए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जितनी ज़्यादा लंबी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी रहती है उतना ज़्यादा भरोसा लेंडर्स को आपको लोन देते टाइम रहता है। फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल इंक्वायरीज फॉर लोन और फॉर क्रेडिट कार्ड। जितनी ज़्यादा आप क्रेडिट के लिए इंक्वायरीज करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए हो या फिर किसी लोन के लिए, उतना वो आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अनलेस कि आपको नीड नहीं है तो आप कोई क्रेडिट के लिए इंक्वायरी मत कीजिए कि जस्ट कोई ऐसा ऑफर चल रहा है, आप डायरेक्ट आपने एप्लीकेशन डाल दी क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए, और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जितनी आप मल्टीपल इंक्वायरीज करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं है और आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इंश्योर करें जितनी कम इंक्वायरीज होंगी, दैट्स बेटर, डू दैट। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, आपके लोन का पोर्टफोलियो।
जितना आपका लोन का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा, लाइक आपने लोन ले रखा होगा क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लाइक इस तरीके से अगर आपका लोन का पोर्टफोलियो है कि मल्टीपल जगह वो डाइवर्सिफाइड है, तो एक लेंडर की निगाह में एक अच्छा साइन होता है, और जो कि आपके सिबिल स्कोर के लिए एक अच्छी चीज है, आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। आई होप इस वीडियो के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।